दोस्तों आईपीएल 2021 का सीजन हम लोगों को अप्रैल के महीने में शुरू होते दिखाई देने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं सभी टीमें ऑक्शन के बाद अपना अपना स्क्वाड तैयार करके बैठी हुई है। कुछ टीमें ऑन पेपर काफी मजबूत दिखाई दे रही है, कुछ टीमें थोड़ा कमजोर। तो केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस साल 8 प्लेयर्स खरीद के 25 प्लेयर्स का स्क्वाड कंप्लीट कर चुकी है। दूसरी तरफ आरसीबी टीम ने 22 प्लेयर्स की स्क्वाड लेकर आईपीएल 2021 में हिस्सा लेने वाली है। तो दोनों ही टीम ऑन पेपर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। तो मैं इस वीडियो में केकेआर वर्सेस आरसीबी टीम कंपेरिजन करने वाला हूँ। दोनों टीमों की बैटिंग, ऑलराउंडर और बोलिंग लाइनअप कैसा है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप आईपीएल के फैन है और इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को अभी एक लाइक के साथ अंत तक जरूर देखिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं केकेआर और आरसीबी दोनों टीमों की बैटिंग, ऑलराउंडर और बॉलिंग लाइनअप के बारे में वन बाय वन कंपैरिजन करने वाला हूं और सिर्फ की प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बल्लेबाजों को लेकर। तो सलामी बल्लेबाजों में केकेआर टीम के तरफ से हम लोगों को शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी या तो करुण नायर को देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आरसीबी टीम से देवदत्त पड्डीकल और जॉर्ज फिलिपी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों केकेआर टीम की सलामी बल्लेबाजों से पिछले कुछ सीजन से कुछ खास बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रहा है। शुभमन गिल बढ़िया प्लेयर है लेकिन उनको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है और राहुल त्रिपाठी एवरेज प्लेयर है। 2020 में कुछ मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला था और कुछ मैचों में फ्लॉप भी जा चुके थे। दूसरी तरफ आरसीबी में इस साल एरोन फिंच नहीं है, उनके जगह जॉस फिलिपी को देखने को मिलेगा। तो इस युवा बल्लेबाज को बीबीएल में शानदार फॉर्म देखने को मिला है और देवदत्त पड्डीकल का परफॉर्मेंस लोकल टूर्नामेंट में काफी बढ़िया चल रहा है। तो उस हिसाब से आरसीबी की टीम केकेआर टीम से थोड़ा आगे रहने वाली है। लेकिन दोस्तों बैकअप ऑप्शंस के बारे में बात करें तो केकेआर के पास टीम स्वीपर सुनील नरीन, करुण नायर जैसे काफी सारे बढ़िया बैकअप ओपनर मौजूद है, लेकिन आरसीबी के पास केकेआर की तरह उतना ज्यादा ओपनिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ओपनिंग में केकेआर की टीम 40% और आरसीबी की टीम 60% मजबूत दिख रही है। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना इसके बारे में आपका क्या राय है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के बारे में। तो आरसीबी टीम के पास मिडिल ऑर्डर में टॉप प्लेयर्स के रूप में विराट कोहली, एबी डी विलियर्स और मोहम्मद अजहरुद्दीन मौजूद है। दूसरी तरफ केकेआर टीम में नीतीश राणा, वेन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, करुण नायर जैसे प्लेयर्स मौजूद है। तो मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के मामले केकेआर की टीम ऑन पेपर ज्यादा मजबूत दिख रही है। जी हाँ दोस्तों आरसीबी टीम में विराट, एबीडी जैसे प्लेयर्स तो है, लेकिन फिर भी इन दोनों के आउट हो जाने के बाद पूरा मैच ऑलराउंडर्स के ऊपर चला जाएगा। दूसरी तरफ केकेआर के पास नंबर 5 से 6 तक बढ़िया मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मौजूद है। तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के दिख से केकेआर की टीम आरसीबी टीम से थोड़ा आगे है। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो दोनों ही टीम इस मामले में बढ़िया टक्कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों केकेआर टीम ने इस साल सकीब अल हसन और बेन कटिंग दो फॉरेन ऑलराउंडर्स को खरीद चुकी है। तो केकेआर टीम में आईपीएल 21 के लिए सबसे पहले आंद्रे रसेल, उसके बाद सुनील नरीन, सकीब अल हसन, बेन कटिंग, पैट कमिंस जैसे काफी सारे ऑप्शन मौजूद है। दूसरी तरफ दोस्तों आरसीबी टीम ने ग्लेन मैक्सवेल को इस साल खरीद चुकी है। तो आरसीबी टीम में ऑलराउंडर्स के रूप में ग्लेन मैक्सवेल, वाशिंगटन सुंदर, डेनियल सैम्स, डेनियल क्रिश्चियन जैसे प्लेयर्स को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ केल जेमिनसन भी थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑलराउंडर्स के मामले ऑन पेपर दोनों ही टीम बराबर की टक्कर देने वाली है। बाकी प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेगा वो तो मैच के टाइम ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मामले में आगे है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आखिर में दोस्तों गेंदबाजों के बारे में बात करें तो दोस्तों इस लिस्ट में केकेआर की टीम आरसीबी टीम से थोड़ा आगे जरूर रहने वाली है, क्योंकि केकेआर टीम के पास पैट कमिंस, लॉकी फर्गुसन, कमलेश नगरकोटी, शिवम मबी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हरभजन सिंह जैसे काफी सारे बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है। दूसरी तरफ आरसीबी टीम में टॉप गेंदबाजों के तौर पर नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, युवेंद्र चहल, केल जेमिनसन, केन रिचर्डसन और एडम जंपा जैसे प्लेयर्स मौजूद है। तो कहीं ना कहीं केकेआर के पास एक्सपीरियंस भारतीय तेज गेंदबाज सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आरसीबी टीम से ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन केकेआर टीम में मौजूद है। तो दोस्तों अटैकिंग ओपनिंग पेयर के मामले आरसीबी की टीम थोड़ा आगे है, ऑलराउंडर्स दोनों के बराबर है और गेंदबाज में केकेआर टीम आगे है। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है कौन सी टीम ऑन पेपर सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है और आगे कौन सी टीम के साथ कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।